आप देख रहे हैं देश का पॉलिटिकल शो, समय 12 से 2। हम चर्चा कर रहे हैं एग्जिट पोल के आंकड़ों पर कि आखिरकार उनसे सियासी संकेत क्या मिल रहा है। मध्य प्रदेश पर बात हो गई है, छत्तीसगढ़ को लेकर जरा चर्चा कर लेते हैं। एबीपी न्यूज सी वोटर के एग्जिट पोल में छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 41%, कांग्रेस को 43% वोट शेयर मिल रहा है, अन्य को 16% वोट शेयर मिल रहा है। और जहां तक सीटों की बात की जाए तो फिर बीजेपी 36 से 48 सीट और कांग्रेस बढ़त बनाती हुई जादुई आंकड़े को पार करती हुई 41 से 53 सीटें हासिल कर सकती है, अन्य के खाते में 0 से 4 सीटें जा सकती है। तो ये वो तस्वीर छत्तीसगढ़ की जो सामने। अभी 6-7 सर्वे हुए हैं, किसी के आंकड़े मिलते जुलते नहीं है। और ये है कि हमने लक्ष्य 75 पार कर रखा था, हम उसी के आसपास रहेंगे। कि कांग्रेस और कांग्रेस की वर्तमान स्थिति में जो गिरावट आई है, 69 सीट से गिरते गिरते 3-4 एग्जिट पोल ने उनको 40 और 42 तक मिनिमम दिखाया है। इसका मतलब ये है कि जो कांग्रेस और कांग्रेस के वोटों के प्रतिशत में जबरदस्त गिरावट आई है, कम से कम भारतीय जनता पार्टी 52 से 55 सीट तक जीत कर 3 तारीख को आएगी, ये स्पष्ट हो चुका है। काका या चावल वाले बाबा, आखिरकार कौन जीतने वाला है छत्तीसगढ़ का रण? और ऐसे में सवाल जो आपके लिए लेकर आए हैं वो ये है कि क्या छत्तीसगढ़ चौंकाएगा या फिर बघेल राज आएगा? शुक्ला जी, आंकड़े बता रहे हैं कि बघेल जी की कुर्सी अभी बनी हुई है, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो विषय है वो ये है कि बघेल जी के चमत्कार में या उनके तिलस में घट रहा है उनका तिलस, और भारतीय जनता पार्टी का जो बढ़ रहा है वो इसलिए नहीं बढ़ रहा है कि लीडरशिप ने कोई बहुत अच्छा चमत्कारी काम किया है, बल्कि इसलिए बढ़ रहा है कि बघेल जी का घट रहा है। तो बघेल जी के घटने का कारण ये है कि उनकी सोशल इंजीनियरिंग भी दरक रही है, आंतरिक तरीके से उनको जिस तरीके का सपोर्ट चाहिए वो कांग्रेस के अंदर का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। और ऐसे में आप देखेंगे कि 20 से 22 सीट, हाँ, यानी 2018 के चुनाव के बाद जो कांग्रेस थी वो 71 सीट पे पहुंच चुकी थी छत्तीसगढ़ में, हाँ, और आज यदि 53 सीट पे आ रही तो एक बड़ा फासला हो रहा है। क्योंकि यहाँ सामने वोट शेयर चल रहा है, मुझे लगता है जरा सा विजय त्रिवेदी जी को लेकर आएंगे। और वोट शेयर के लिहाज से अगर देखा जाए तो 2018 छत्तीसगढ़ बीजेपी 33% वोट शेयर, कांग्रेस 43% वोट शेयर, और अब जो एग्जिट पोल का आंकड़ा सी वोटर वाला आया है वो ये बता रहा है कि कांग्रेस वही 2018 वाला 43% वोट शेयर रिटेन रख रही है। बीजेपी ने बहुत जबरदस्त बढ़ोतरी की है, 33% वोट शेयर से वो पहुंच रही है, ये देखिए 41% वोट शेयर पर। और जो घट रहा है वो अन्य का वोट शेयर घट रहा है, मतलब अब ये मामला बीजेपी वर्सेस कांग्रेस ही छत्तीसगढ़ में बन रहा है। तो ऐसे में वोट शेयर के मामले में कांग्रेस रिटेन करते हुए, बीजेपी बढ़त बनाते हुए, तो जाहिर सी बात है वो 68 सीट जो 2018 में कांग्रेस को मिली थी, जिसका जिक्र शुक्ला जी कर रहे हैं, वो तो नहीं हो सकता था इस वोट शेयर के हिसाब से। इस वोट शेयर के हिसाब से तो बिल्कुल नहीं होता, और इस पर चर्चा हम लोग लगातार करते हैं। शुक्ला जी ने जो बात कही वो बेहतर बात है कि बघेल राज में उनकी सीटों पर थोड़ा सा असर पड़ा, और मैं देख रहा हूँ अभी इसमें हमने नहीं किया, लेकिन दक्षिण और जो उत्तर छत्तीसगढ़ है वहाँ भारतीय जनता पार्टी जो बिल्कुल साफ हो गई थी पिछली बार, वहाँ उसने बड़ा काम किया है। उसकी एक बड़ी वजह तो ये भी है कि टीएस सिंहदेव को जिस तरह से कांग्रेस ने मौका नहीं दिया, उनको चीफ मिनिस्टर बनाने की बात थी, तो वो पूरी तरह से लगे या नहीं लगे वो वाली बात है। आदिवासियों का मसला है, धर्मांतरण के मसले को हम लोग पहले समझते थे कि नहीं हुआ, वो एक बड़ा काम हुआ। और बीजेपी की जो स्टेट यूनिट है उसने लगातार काम किया है। लेकिन इसका दूसरा मतलब जो मैं समझता हूँ कि यदि भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप इस चुनाव को थोड़ा जल्दी लड़ती छत्तीसगढ़ को, वहाँ पर ज़्यादा एक्टिव होती, तो हो सकता है कि सरकार बदल लेते इन आंकड़ों के हिसाब से, हो सकता है आज भी बदल जाए, लेकिन वो एक थोड़ी सी कमी मुझे लग रही है कि वो नहीं हुआ है। और जैसे नंद किशोर जो थे हमारे आदिवासी लीडर नंद किशोर जी, वो चले गए, उसका भी एक नुकसान हुआ है। हाँ। तो आदिवासियों पर भारतीय जनता पार्टी का काम कितना हुआ, उसमें विश्व हिंदू परिषद और संघ का काम ने इसमें बड़ा असर मुझे लगता है दिखाया है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।